रंग तरंग और रंग तरंग में मैं आपके साथ विकास, और ये महफिल होती है नगमों की, गीतों की, गजलों की। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गैसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गैसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों
प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, चैन चाहा तो उमड़ते हुए तूफान मिले, चैन चाहा तो उमड़ते हुए तूफान मिले, डूबते दिल ने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। कितना प्यारा सा शब्द है तमन्ना, लेकिन उतना ही दर्द भी देता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ तमन्नाएं पूरी होती हैं और कुछ तमन्नाओं के हिस्से में आता है अधूरापन, और शायद इसी को नियति कहते हैं। और शायद तभी किसी ने कहा है कि बोलते बोलते जब सिर्फ जबां रह गए हम, बोलते बोलते जब सिर्फ जबां रह गए हम, तब इशारे से बताया कि कहां रह गए हम। हमें इतनी बड़ी दुनिया का पता थोड़ी था, जहां हम तुम हुआ करते थे वहां रह गए हम। एक आवाज के दो हिस्से हुए ठीक हुआ, तुम वहां रह गए खामोश, यहां रह गए हम।
जी, किसी के हिस्से में दर्द अनोखे मिलते हैं और किसी के हिस्से में मिलता है आपका प्यार, जो आपके संदेशों के जरिए हम तक पहुंचता है। नंबर अभी बताया नहीं था, लेकिन देखिए बहुत सारे दोस्तों ने अपने पैगाम हम तक भेज दिए हैं। लेकिन अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं वो नंबर जिसके जरिए आप और हम जुड़ते हैं, राब्ता कायम होता है, बातचीत होती है, जज्बात साझा किए जाते हैं। 9868868753, यानी 9868868753, वो जादुई नंबर जो जोड़ता है आपको और हमको। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है रंग तरंग, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। अगर आप किसी संदिग्ध
परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 2652-7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1,00,000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल है। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर।
किश्वर नाहिद लिखते हैं कि उम्र में उससे बड़ी थी लेकिन पहले टूट के बिखरी मैं, उम्र में उससे बड़ी थी लेकिन पहले टूट के बिखरी मैं, साहिल साहिल जज्बे थे और दरिया दरिया पहुंची मैं, शहर में उसके नाम के जितने शख्स थे सभी अच्छे थे, शहर में उसके नाम के जितने शख्स थे सभी अच्छे थे, सुबह सफर तो धुंध बहुत थी, धूपे बनकर निकली मैं, उसकी हथेली के दामन में सारे मौसम सिमटे थे, उसके हाथ में जागी मैं और उसके हाथ से उजली मैं। मैंने जो सोचा था यूं तो उसने भी वही सोचा था, दिन निकला तो वो भी नहीं था और मौजूद नहीं थी मैं। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया,
परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए dillipolice.gov.in या 2652-7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। ग्यारह बजकर 40 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम चल रहा है रंग तरंग और आपके साथ मैं और आप दोनों हैं, क्योंकि आपके संदेश भी लगातार हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कुछ एक दोस्तों ने हमें संदेश लिखा है बाड़मेर से और हमें लिखा है बालू राजड़ साहब ने और अपनी बहुत ही प्यारी सी जबान में हमें लिखा है कि खम्मा गणी सर, सर आप रो कार्यक्रम चोखो घणो लागे है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप के अंदाज में ही इसे पढ़ा होगा। बहुत शुक्रिया अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में एक तरह से अपने जज्बात हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास खयाम साहब का संदेश पहुंचा है और खंडवा एमपी से यूनुस खत्री, सादिक खत्री और उनके परिवार के बाकी सदस्य हमें संदेश भेजते हैं। कौशल दुबे मोहनगर गाजियाबाद से हमें लिखते हैं कि अपने चूहे भी तो सहन कर लेना, अपने चूहे भी अगर तो सहन कर लेना, क्योंकि कांटों से बिछड़ कर गुलाब ज्यादा दिन गुलाब नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये खट्टी मीठी बातचीत और ये खट्टी मीठी यादें हर शख्स की जिंदगी का एक तरह से घना और गहरा हिस्सा है। कुछ लोग बहुत उतावलेपन में इन चीजों को छिटक देते हैं और एक नई राह पकड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब रिश्ता घुटन भरा हो जाए तो उसे फिर भी सहते रहें, लेकिन कई दफा जल्दबाजी से हम और आपको काम लेने से परहेज करना चाहिए। एसके गर्ग साहब का हमारे पास संदेश पहुंचा है और प्राजक्ता का हमारे पास संदेश मुंबई से पहुंचा है। गुड़गांव से हमारे पास संदेश मिला है आरती का और उन्होंने लिखा है कि रफी साहब की आवाज और लता जी की आवाज आज सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी हो जाए। अगला संदेश हमारे पास वर्षा जी का आया है। हर बार की तरह वो प्रोग्राम में शामिल हैं और झूमर नायक राजगढ़ चूरू से हमें संदेश मिला है और एहसान अली उत्तर प्रदेश से हमें संदेश लिखते हैं कि दर्द भरे गीत दिल को छू रहे हैं। हमें निमी का भी संदेश पहुंचा है और देव का हमारे पास संदेश ईस्ट दिल्ली से पहुंचा है। चंद्रकांता का संदेश भी हमें मिला है और इसके अलावा हमें मिला है संदेश ऋतु का।
तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया आपने इन संदेशों के लिए, और खासकर उन साथी का जिन्होंने बड़े प्यारे से अंदाज में अपनी मदर टंग में हमें अपनी बात पहुंचाई है। आप फिलहाल सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है रंग तरंग, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास।
जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे के अब गए तो कभी लौट कर नहीं के अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना तो क्या इतना तुझे उम्र भर नहीं मिलना तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना तो क्या ये तय तुझे उम्र भर नहीं सिमटने में देर कुछ तो लगती है दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है। बिल्कुल ये संदेश हमारे पास आशा का संदेश हमें मिला है और उन्होंने बहुत प्यारी सी बात की है कि अगर किसी तरह से रिश्तों में दूरियां पनपने लगें बढ़ जाएं तो उन दूरियों को दूर करने में वक्त तो लगता है। और जैसे जगजीत सिंह साहब भी एक जगह पर कहते हैं ना कि कांच अगर बन जाए रिश्ते हो या मोती लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है आप ही का अपना रंग तरंग। आपके पास जो नंबर था उसके जरिए आपने अपने संदेश हम तक पहुंचाए हैं और उसमें हमें उमेश कुमार दिनेश कुमार साहब का संदेश मिला। अश्वनी का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद रफीक हमें संदेश भेजते हैं। इसके अलावा हमें जो संदेश अगला मिला है जसप्रीत सिंह का मिला है रामपुर से। तस्दीक अली हमें संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि बेहतरीन गजल सुनवाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ये जग गुलाम अली साहब की ये गजल हाल ही में मैंने सुनी और मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ भी इसे साझा कर लिया जाए। फिलहाल आप तक पहुंचती है अगली आवाज रफी साहब की। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा
दुनिया के निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, ओए वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये ज़ुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक दरिया मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल। गालिब के इस नगमे को आप तक छोड़े जा रहा हूं और आवाज जगजीत सिंह साहब की। विकास आपसे चाहता है फिलहाल इजाजत, इस वादे के साथ कि आपसे अगली दफा फिर दोबारा इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार। रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे,
बाजी चाहे तूफान दो हाथ को जुम्बिश आँखों में तो दम है गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है रहने दो अभी सागरों मीना चाहे तूफान दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे